चाहूंगा मैं तुझे हरदम, तू मेरी जिंदगी। मांगू रब से तेरी खुशियाँ, ये मेरी बंदगी। चाहूंगा मैं तुझे हरदम, तू मेरी जिंदगी। मांगू मैं विकास, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिराकल में। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे बेल आइकन को दबाना भूलें, ताकि समय समय पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज फिर से क्लास 12 का मैथमेटिक्स VBI त्रिकोणमित्री क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपको अगर दूं तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय चैप्टर से है, और क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। तो एक्स का मान निकालें। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। तो एक्स का मान निकालें। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, यह साइन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। यह साइन जो है इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर। साइन इनवर्स 1 का मतलब 90 डिग्री, तो हो जाता है π/2। साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस, या प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस इनवर्स एक्स। यहाँ हो जाए आपका साइन इनवर्स 1/5 बराबर, यह हो गया π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। अब यह दोनों साइन इनवर्स एक्स है, दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स बराबर 1/5। यह π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, तो 90 माइनस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स दोनों का अकर्ष हो गया, तो बच गया एक्स बराबर 1/5। तो ये हमारा हो गया कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 1। तो एक्स मान क्या होगा, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 1। यह साइन जो है इधर आगे क्या बन गया, इनवर्स बन गया। यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/2। तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस, यह प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो यह साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स और π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। तो π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स क्या कट गया, एक्स बराबर क्या होगा, 1/5, जो हमारा क्या हो गया, यह सही हुआ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इंटू π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालें। सेकंड क्वेश्चन है कि साइन इंटू π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का क्या करें, मान निकालें। तो पहले देखिए, पहले इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो लेट साइन इनवर्स -1/2 बराबर y, तो यह जाए हो जाएगा साइन y बराबर -1/2। तो यह हो गया, यह π/-1/2 किसका वैल्यू होता है, -sin π/6 का। तो ये कट जाएगा, यानी y बराबर क्या हो गया, -π/6 क्या हो गया, 6 हो गया।
या y बराबर माइनस फाइव बटा सिक्स। अब यह वैल्यू जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, भरेंगे, यानी इसलिए इसलिए साइन इनवर्स एक बटा टू बराबर हो गया माइनस पाई बटा सिक्स, इसलिए साइन इंटू ये हो गया पाई बटा थ्री माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू का मान क्या हो गया आपका माइनस पाई बटा सिक्स, तो हो गया साइन इंटू पाई बटा थ्री माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस पाई बटा सिक्स, यानी हो गया साइन, यह एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सिक्स, यह हो जाएगा थ्री टू जा यह हो गया पाई, हो गया साइन थ्री पाई बटा सिक्स, थ्री पाई बटा सिक्स, और यह होता है साइन पाई बटा टू, यह कट जाएगा हो गया वन, कितना हुआ वन, इसका आंसर आ गया। देखिए क्या किए, पहले इसको मैंने माना कि साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू बराबर वाई, तो साइन वाई बराबर यह जाकर इधर बढ़ जाएगा साइन वाई बराबर माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू इसके होता है माइनस साइन में पाई बटा सिक्स का वैल्यू होता है, तो वाई बराबर हो गया माइनस साइन साइन खत्म हो गया, तो वाई बराबर माइनस सिक्स, यानी कि साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू बराबर हो गया माइनस पाई बटा सिक्स, और माइनस पाई बटा सिक्स को वैल्यू क्या कहेंगे हम यहाँ पर पुट कर दिए, इस वैल्यू पर पुट कर दिए, तो साइन इंटू पाई बटा थ्री माइनस माइनस पाई बटा सिक्स, और माइनस पाई बटा थ्री माइनस माइनस क्या हो गया प्लस पाई बटा सिक्स, दोनों का एलसीएम निकले तो सिक्स हुआ, और थ्री टू या सिक्स पाई बटा पाई, तो टू पाई प्लस पाई कितना सिक्स, तो पाई 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 थ्री टू पाई प्लस पाई कितना थ्री पाई बटा सिक्स, और यह कट गया तो पाई बटा टू, और साइन पाई बटा टू यानी कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है वन होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि यदि टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स टू बाई एलेवन बराबर टेन पी, तो पी का मान निकालें। क्वेश्चन है कि यदि टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स टू बाई एलेवन बराबर टेन पी, तो पी का मान ज्ञात करें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो लिखा है टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स टू बाई एलेवन बराबर टेन पी दिया है, तो यह होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस यह हो गया टेन इनवर्स वाई, तो फार्मूला क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई बराबर टेन पी, तो यह एक्स है यह क्या है वाई है, यह टेन इनवर्स एक्स, ये एक बटा टू एक्स हो गया, और दो बटा ग्यारह क्या हो गया वाई हो गया, तो हो गया टेन इनवर्स यहाँ हो गया वन बाई टू प्लस टू बाई एलेवन बटा बटा वन माइनस वन बाई टू इंटू टू बाई एलेवन बराबर टेन पी, यह हो गया टेन इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो एलेवन और टू का एलसीएम कितना हो जाएगा 22, एलेवन और टू का एलसीएम कितना आएगा 22 आएगा, तो हो गया 22 और टू एलेवन और एलेवन टू जा तो टू टू जा फोर, और वन माइनस यहाँ पर हो गया वन टू जा टू और बटा ये भी कितना हो गया एलेवन टू जा 22 बराबर टेन क्या हो गया पी, तो हो गया टेन इनवर्स और एलेवन फोर कितना हुआ 15 बटा 22, यह हो गया 22 बटा यह 22 माइनस टू बटा 22 बराबर
टेन पी, यह 22 क्या हो गया, कट गया, आया आपका टेन इनवर्स 15 बटा कितना हुआ 22 में से 2 कितना हुआ 20 बराबर 20 बराबर कितना हुआ टेन पी, यह टेन इधर इन्वर्स हो गया, टेन इन्वर्स यहाँ पे क्या है टेन पी, तो यह टेन टेन क्या हो गया कैंसिल, तो हो गया आपका पी बराबर 15 बटा क्या हुआ 20, तो हो जाएगा 3/4, यह कटेगा 5 3 जा और 5 4 जा, तो यह 3/ क्या हुआ 4 हुआ। मैंने क्या किया कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 बराबर 10 पी है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 - x × y, तो टेन इनवर्स एक्स की जगह पर है 1/2 और वाई की जगह पर है 2/11, यहाँ पुट किया गया तो एक्स प्लस वाई बट्टा 1 - x × y, ये हो गया। तो ये हो गया, इसके एलसीएम लेंगे तो 11 2 = 22 और 2 11 जा और 11 2 = 22 = 4 बट 22 बटा 1 - 1/2 × 2 = 11, तो 11 2 = 22 और 2 1 = 2 बराबर 10 पी, तो टेन इनवर्स ये 11 4 = 15 बटा 22 और 22 - 2 = 20 बराबर 10 पी, तो 15 दोनों 22 है 22 क्रॉस हो गया 15 बटा 22 - 2 गया 20 बटा 10 पी, और टेन इनवर्स है यहाँ पे क्या है 10 है, तो टेन इनवर्स 10 का उल्टा है इसलिए क्या हो गया क्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा और आपका हो गया पी बराबर 15/20।